जिन्होंने प्रकाश को चुना उन्होंने स्वतंत्रता और प्रेम का विकल्प चुना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार का पहला पंक्ति पूरी बाइबल में सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां में से एक है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह ईश्वर की असीम प्यार की बात करता है। एक व्यक्ति जो सच्चा प्यार करता है वह अपने परम प्रिय के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा देता है, ठीक उसी तरह ईश्वर हमारे लिए अपना सबसे अच्छा तोहफा उसका एकमात्र बेटे को हमारे लिए और हमारे पापों के लिए भेंट चढ़ा दी। उनका तोहफा केवल एक विशेष समुदाय या राष्ट्र के लिए नहीं था बल्कि समस्त विश्व के लिए था। यह ईश्वर का एक मुफ्त उपहार था जिसे कुछ लोगों ने स्वीकार किया लेकिन दूसरों ने अस्वीकार कर दिया। बेटे को भेजने का प्राथमिक उद्देश्य निंदा करना नहीं बल्कि बचाना था। हालांकि हर व्यक्ति यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या वह मुफ्त उपहार चाहता है। ईश्वर के पुत्र को स्वीकार करने से मोक्ष एवं अस्वीकृत करने से स्वयं की निंदा प्राप्त होता है। हालांकि प्रकाश आ गया है और लोगों को सामान्य रूप से प्रकाश को चुनना चाहिए, पर कुछ ने अंधकार को प्राथमिकता दी। वे नहीं चाहते थे कि उनके कुकर्म उजागर हो क्योंकि डर उनके दिलों पर राज किया था। जिन्होंने प्रकाश को चुना उन्होंने स्वतंत्रता और प्रेम का विकल्प चुना, और ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपने मदद स्वयं करता है। अतः हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास एक दूसरे के लिए प्रतिबिंब के समान है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। एक ख्रिस्तीय अपने आचरण एवं कर्म दोनों से पहचाना जाता है। आइए हम ईश्वर से यह अनुनय विनय करें कि वह हमें हमेशा प्रकाश को स्वीकार करने में मदद करे और अंधकार को दूर भगाने में हमें सहायता करे।